राम राम। तो जब से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, 3 महीने भी चैन से किसी को बैठने नहीं देते। कभी जीएसटी आ जाती है, कभी नोटबंदी आ जाती है, कभी कुछ, और योगी जी डेली डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इन्होंने हाल ही में, अभी कल की ही बात है, इन्होंने यूपी और बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए जिसमें मुगलों की बात हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ये सही है कि जो चैप्टर हटाए गए हैं उनके स्थान पे जो चीज़ें आएंगी वो तुम लोग अपनी संस्कृति को जानोगे कि वाकई में था क्या। इन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कर रही है, एक साल पहले भी सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे मुगल के चैप्टर हटा दिए गए थे, और बहुत सारे उसके बाद बहुत सारे शहर थे, बहुत सारे स्टेशन थे जिनके नाम इन्होंने बदल दिए थे। आप ये कहो कि फैजाबाद का नाम हो गया, या फिर वो हुमायूंपुर हो गया, और जो मीना बाजार था, बहुत सारे नाम इन्होंने बदले थे, और लगभग अभी 12 से 15 नाम और हैं इसे बदले जा रहे हैं। और यही नहीं है कि सिर्फ ये यूपी में हो रहा है, अगर आप सेंट्रल पे देखो तो दिल्ली में भी कई सारे ऐसे गार्डन के नाम थे जो बदले गए हैं, कई सारी रोड्स के नाम बदले गए हैं जो कि मुगलों के नाम पे थे, तो उनको बदला गया। अब जो ये पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है ये कब से लागू होगा, तो ये जो 2023 और 24 की नई कक्षाएँ चालू होंगी, जो नए सिलेबस लागू होंगे उनमें होगा। अब इनके जगह नए चैप्टर आएंगे क्या, तो वो तो पाठ्यक्रम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हटा क्या रहे हैं, ये पहला इस्लाम का उदय, उसके बाद है संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत, और अमेरिकी जो वर्चस्व के बारे में एक बखान था बहुत ज़्यादा, उसको कम कर दिया गया है, शीत युद्ध के बारे में, शाही नौकरशाही के बारे में, मतलब वो अधिकतर चैप्टर हटाए जा रहे हैं जहाँ पे जो मुगलों के शासक थे उनका जो बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ हो रही थी, या उनके बारे में ही उनको एक सेंटर पर रख के उनकी बात की जा रही थी, वो चैप्टर हटाए गए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तुम लोग ये भी देखो, तुम्हें आज ये पता होगा कि अकबर के बाप कौन थे, शाहजहाँ के कौन, तुम्हें ये सब कुछ पता होगा, लेकिन महाराणा प्रताप की बात होती है, जब पृथ्वीराज चौहान की बात होती है, जब शिवाजी की बात होती है, तो डिटेल में किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है जितनी डिटेल में आपको मुगलों के बारे में पता है। ठीक है, तो और भी कुछ चैप्टर हैं जैसे कि अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया, पांडुलिपियों की रचना हो गई, ये सारे चैप्टर हैं जो कि 11th और 12th से यूपी और सीबीएसई बोर्ड से हटा दिए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री भी है और जिसमें नागरिक शास्त्र भी है। अब इनकी जगह चैप्टर क्या इंक्लूड किए जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी होगी कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाएंगी जिससे तुम्हें वाकई में जो एक्चुअल में हमारे लीडर्स थे उनके बारे में कम से कम पता तो चले। पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल में किसी को नहीं पता है, उनके बारे में जो थोड़े बहुत देखा तुमने कभी, एक दो कॉलम आते हैं बस जिसमें उनको पूरी डिटेल दे दी जाती है, जबकि जब मुगलों के बारे में बात होती है तो पूरी पूरी चैप्टर हैं, 5-5, 10-10 चैप्टर हैं पूरे पूरे, और जबकि पृथ्वीराज चौहान, हमारे महाराणा प्रताप और शिवाजी, संभाजी महाराज, मतलब किसी के बारे में इतनी डिटेल में नहीं है। चैप्टर तो उनके बारे में भी है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जिससे कि तुम्हें वाकई में समझ में आए कि इन लोगों ने किया क्या था देश के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगलों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जहाँ पे चीज़ें थी, युद्ध हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें रहेंगी। ये चैप्टर जो आपको हमने बताए ये सारे चैप्टर्स हटाए गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, करंट के किसी ऐसे टॉपिक को लेके कल फिर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।